आज के लेक्चर में सबसे पहले होम असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। कल रिप्रेजेंटेशन के कुछ क्वेश्चंस केस स्टडीज दी गई थी आपको असाइनमेंट के तौर पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपेंडिक्स 1 पेज 277 अफजल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड जी। इसमें पहले वाली सिचुएशन, देयर इज सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन नंबर ऑफ रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। जी, देर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन नंबर ऑफ रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। जी बताइए, रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस डिक्रीज हो गई हैं, क्या इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है? बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि रिक्वायर्ड है, रिलेटेड पार्टी पे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना रिक्वायर्ड है। सेकेंड, ड्यूरिंग द ईयर ATML हैज एक्वायर्ड 15% शेयर होल्डिंग इन बशीर टेक्सटाइल्स लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी। जी, ATML ने 15% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है, एसोसिएटेड कंपनी रिलेटेड पार्टी नहीं बनती। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट नहीं, लेकिन शेयर होल्डिंग जो है, क्या ये शॉर्ट टर्म की नेचर है या लॉन्ग टर्म की नेचर है, अब ये डिपेंड करता है इसकी क्लासिफिकेशन मैनेजमेंट की इंटेंशन पे। तो इसकी क्लासिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन डिटरमिन करने के लिए बताइए रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं। बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, मैनेजमेंट से पूछेंगे कि बताइए आप इसे शॉर्ट टर्म होल्ड करना चाहते हैं या के लॉन्ग पीरियड के लिए। थर्ड, ATML owns 6 बिल्डिंग्स आउट ऑफ विच 4 हैव बीन रीवैल्यूड ड्यूरिंग द करंट ईयर व्हाइल द रिमेनिंग बिल्डिंग्स वुड बी रीवैल्यूड नेक्स्ट ईयर। क्या इस पे रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है? अप्रोप्रिएट नहीं। क्यों अप्रोप्रिएट नहीं? क्योंकि ये मिसस्टेटमेंट है, ये मिसस्टेटमेंट है, इस पे मॉडिफाइड ओपिनियन अप्रोप्रिएट है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट नहीं। अपेंडिक्स 1 में कोई इशू किसी किस्म का? रिलेटेड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप डिस्कस करते हैं, क्योंकि परसेंटेज इंडिकेट कर रही है कि वो हमें रिलेटेड पार्टी की तरफ शायद लेके जाना चाह रहा है। 20% से ज्यादा रिलेटेड पार्टी बन जाती है ना, अगर 20% से ग्रेटर वाली होती तो फिर तो हम रिलेटेड पार्टी को जरूर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डिस्कस करना लाजमी नहीं, लेकिन अगर कर दे तो बेहतर है। हाँ, उसकी जो इंटेंशन बेस्ड मेजरमेंट है या क्लासिफिकेशन है, उसको डिस्कस करना जरूरी है। जी, नेक्स्ट अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 2 में 3 केस स्टडी थी। सबसे पहले केस स्टडी 1 रीडिंग कर ली आपने, केस स्टडी 1 की। जी तो बताइए, ये मिसस्टेटमेंट का केस है ना? जी मेरे भाई, कौन सा केस है ये? केस स्टडी 1, ये स्कोप लिमिटेशन। अच्छा, इसमें एविडेंस है कि रिप्रेजेंटेशन है कि दोनों है या दोनों नहीं? एविडेंस भी है, रिप्रेजेंटेशन भी है, तो फिर मसला क्या है? फिर तो मसला ही क्यों नहीं रह जाता भाई, एविडेंस भी है, रिप्रेजेंटेशन भी है, फिर क्या है? अच्छा, एविडेंस नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, तो मुझे बताइए कि रिप्रेजेंटेशन तो दे रहा है लेकिन एविडेंस नहीं है, क्या सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पूरा हो गया? नहीं हुआ, स्कोप लिमिटेशन है। इफेक्ट किस पे आएगा, रिपोर्ट पे, अदर एस्पेक्ट्स पे या दोनों पे? रिपोर्ट पे आएगा, स्कोप लिमिटेशन है, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल नहीं हो रही, रिस्क में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ जी, रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार है मैनेजमेंट, लेकिन रिप्रेजेंटेशन अलोन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होता। केस स्टडी 2 जी, सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा। इस सॉल्यूशन में हमने ये लिखना है, पॉइंट्स क्या कवर करने हैं, कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार है लेकिन हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एविडेंस मौजूद नहीं है, क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो गया? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट नहीं है, अभी एविडेंस हमें कंप्लीट नहीं मिला, हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से। अगर मैनेजमेंट अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, अगर हमें प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाता है तो फिर अनमॉडिफाइड ओपिनियन, लेकिन अगर प्रोसीजर से एविडेंस नहीं मिलता हमें तो फिर ये स्कोप लिमिटेशन होगी, रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन सब्स्टिट्यूट नहीं है अदर एविडेंस का। सॉल्यूशन में नहीं लिखा, सॉल्यूशन में क्या लिखा? सॉल्यूशन में ये लिखा हुआ ना कि रिप्रेजेंटेशन पे रिलाई नहीं करना सिर्फ, बल्कि हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, और उसमें स्कोप लिमिटेशन का ये आगे लिख लें आप, कि अगर एविडेंस उसने ये बताया हुआ कि एविडेंस क्या ऑब्टेन करना चाहिए हमें, ठीक है, क्वेश्चन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं ये लिख के कि अगर एविडेंस ऑब्टेन नहीं होता हमें तो ये स्कोप लिमिटेशन होगी। ठीक है जी, क्लियर होगी पहले वाले क्वेश्चन, इसमें कोई और इशू? हाँ जी, हाँ जी, एविडेंस अवेलेबल होना चाहिए ना, कि जो एविडेंस अवेलेबल होना चाहिए हमें वो चेक करना चाहिए ना, ठीक है, कि जो भी एविडेंस अवेलेबल होना है, अगर वो हमारे लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कब बनता है? जब रिटन रिप्रेजेंटेशन भी हो और जब अदर एविडेंस भी हो। एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट का मतलब है जो नॉर्मली होता है, जो होना चाहिए वो चेक करेंगे हम, अगर वो हमें नहीं मिलता तो फिर स्कोप लिमिटेशन होगी। जी जी हाँ, क्या इसमें लिख सकते हैं डिस्कस द मैटर विद दो साहब एक बार? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन में लिख सकते हैं। केस स्टडी 2 जी, मैनेजमेंट ये कह रही है, केस स्टडी 2 में रीडिंग कर ली आप लोगों ने? जी मेरे भाई आप बताइए, कॉर्नर इसमें मैनेजमेंट क्या कह रही है, रिप्रेजेंटेशन नहीं अवेलेबल, एविडेंस नहीं अवेलेबल या दोनों नहीं अवेलेबल?
केसरी टू में क्या सिचुएशन क्या जी? थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है भैया। सिचुएशन कौन सी है? मैंने कल आपको तीन सिचुएशन बताई थी कि जब हमसे पूछा है ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन बताओ रिप्रेजेंटेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। क्वेश्चन में पहले तो मुझे बताइए किस लफ्ज से आपको पता चला ये रिप्रेजेंटेशन वाला चैप्टर है? किस लफ्ज से पता चला जी? और कुछ बोल पड़े यार, तेरी मेहरबानी बोल पड़े, कुछ तो बोल। नहीं बोलना, क्या नाराज है मेरे से? मैं कह रहा हूँ भैया कुछ कुछ कैसे बता क्या, तो मुझे सर किसी चीज से पता नहीं चला। मैं इंतजार कर रहा हूँ मेरे भाई आपके जवाब, पढ़ा नहीं आप तो भाई पहले बता देते, हमारा टाइम ना जाया होता है जी। मेरे भाई आप पढ़ा कि नहीं पढ़ा, चाहे बताइए क्वेश्चन में किस लफ्ज से केस स्टडी 2 में पता चला कि ये रिप्रेजेंटेशन है? स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन नाम लिखा हुआ भाई, सब्सिक्वेंट इवेंट में वो बता देता है, सब्सिक्वेंट इवेंट या डेट बता देता है जिससे पता चल जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन में कौन सी वाली सिचुएशन है? यहाँ पे तीन सिचुएशन बताई थी, या रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा, या एविडेंस नहीं होगा, या दोनों इनकंसिस्टेंट है। सेकंड वाली बोले तो कौन सी? तो कौन सी सेकंड वाली? एक मिनट ठहरे भैया जी, ये नहीं पता, ये रटे की इंतहा है कि ये पता है सेकंड वाली है, ये नहीं पता कि भाई इसमें रिप्रेजेंटेशन जी भाई एविडेंस अवेलेबल है लेकिन मैनेजमेंट कह रही है हमने रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करने, तो ये स्कोप लिमिटेशन है। अच्छा बताइए इसका इफेक्ट सिर्फ रिपोर्ट पे आएगा या अदर एस्पेक्ट पे भी? शाबाश, दोनों पे आएगा, ठीक है। अदर एस्पेक्ट से क्या मुराद है? के रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, हमारा मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल हो जाएगी, और हम एक्सट्रीम केस में विड्रॉ भी कर सकते हैं। शाबाश जी, इसमें दो रिक्वायरमेंट्स है, कमेंट कीजिए और कोर्स ऑफ एक्शन बताइए। कमेंट करने का मतलब है हमने बताना है कि क्या मैनेजमेंट जो रिफ्यूज कर रहा है रिप्रेजेंटेशन नहीं ऑब्टेन करनी, क्या मैनेजमेंट की ये रिफ्यूजल जस्टिफाइड है? ठीक है, तो हम कहेंगे जस्टिफाइड नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना रिक्वायर्ड है, ठीक है। केस स्टडी 3, इसको रीड कीजिए। रीड कर लिया आपने जी? मेरे भाई आप बताइए केस स्टडी 3 में ये सिचुएशन कौन सी वाली है? हाँ, जिसमें अवेलेबल दोनों है, रिप्रेजेंटेशन भी है और एविडेंस भी है लेकिन इनकंसिस्टेंट है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रही। शाबाश, अच्छा बताइए इसमें इफेक्ट सिर्फ रिपोर्ट पे होगा या कि अदर एस्पेक्ट्स पे भी होगा? रिपोर्ट पे भी होगा, तो ये मिसस्टेटमेंट नहीं है, ये मिसस्टेटमेंट नहीं है, स्कोप लिमिटेशन नहीं है, रिपोर्ट पे इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट होगा। उसमें अदर एस्पेक्ट्स में क्या क्या किन किन पे इफेक्ट बताते हैं? रिस्क पे, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे, एक्सट्रीम केस में, विड्रॉल में। अच्छा बताइए रिस्क पे जब इफेक्ट आएगा, हम बता रहे होंगे, हम कहेंगे रिस्क इंक्रीज कर दें, हम एविडेंस भी मोर एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, मोर प्रोसीजर परफॉर्म करके मोर एविडेंस पे भी इफेक्ट आएगा, रिस्क पे भी इफेक्ट आएगा। अहम क्वेश्चन, क्या हमारा स्पेसिफिकली सिर्फ इस एरिया में जिसमें इनकंसिस्टेंसी आ रही है इसमें रिस्क और एविडेंस पे इफेक्ट आएगा कि जनरली अदर एरियाज पे भी इफेक्ट आएगा? अदर एरियाज पे भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं जो बंदा आपके साथ एक दफा झूठ बोल रहा है वो हो सकता है पहले भी उसे झूठ बोलो, वो दूसरी जगह पे भी झूठ बोल, दूसरे एरियाज में भी झूठ बोल सकता है जी। ये थी हमारी थर्ड केस स्टडी। कोई इशू, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो रिप्रेजेंटेशन के हवाले से तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है? चलिए आगे चलते हैं। जी भैया आपकी लेक्चर से रिलेटेड जो भी प्लानिंग है वो आपको बता दी जाएगी, आपके सारे इश्यूज मैनेजमेंट केल में हैं, वो भी आपने शायद थोड़ी देर पहले नोट किया होगा, वो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन में होती है मैडम वो भी ये इशू को डिस्कस करने के लिए आई थी, तो वो रिजॉल्व कर रहे हैं, हो जाएगा, कुछ कुछ कोई मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह आपकी सारी क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। ये इशू आपका नहीं होता, ये मैनेजमेंट आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, ठीक है। प्लानिंग मैनेजमेंट का काम है, वो कर रही है, आपके सारे इश्यूज रिजॉल्व करना मैनेजमेंट का काम है, वो करिए, इंशाल्लाह हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं जी। आंसर स्टार्ट करें। आपका जो चैप्टर 20 और 21 है ये याद रखिए, ये दोनों चैप्टर थोड़े टेक्निकल हैं, कंसेप्चुअल हैं, इनमें याद करने वाला मटेरियल ज़्यादा नहीं है 20 और 21 में, लेकिन समझने वाला मटेरियल ज़्यादा है, खासतौर पे इनमें अगर आप इनको खुद से पढ़ रहे हों तो बहुत से ऐसे टेक्निकल कंसेप्ट्स होते हैं जो आपको शायद समझ में ना आए, इसीलिए 20 और 21 दोनों चैप्टर्स को आपने अटेंटिवली सुनना और समझना है। इसमें स्पीड में अपनी कोशिश करूंगा स्लो रखूं ताकि कंसेप्ट बार बार डिस्कस हों, जहन में बैठे। स्टार्ट करें, अटेंटिव है? चलिए भैया, भैया जरा इधर उधर के काम छोड़ दें मेरे भाई, किधर मसरूफ है, अटेंटिव हो जाइए। टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं सबसिक्वेंट इवेंट का, जो हमारे टॉपिक की हेडिंग है वो है सबसीक्वेंट इवेंट। सबसे पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि सबसीक्वेंट इवेंट कहते किसको हैं। इसमें वर्ड सबसीक्वेंट का मतलब है ऐसे इवेंट्स जो हमारे रिपोर्टिंग पीरियड के बाद अकर हुए हों, ऐसे इवेंट्स जो हमारे रिपोर्टिंग पीरियड के यानी जिस साल का हम ऑडिट कर रहे हैं उसके बाद अकर हुए हों उन्हें कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट। यानी अगर हमारा ईयर एंड है 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक,
तो हमारे सब्सिक्वेंट इवेंट कौन से होंगे जो 2019 में है? नहीं, जो 2020 में करूंगा हमारे रिपोर्टिंग पीरियड के बाद। अकाउंटिंग क्या कहती है? अकाउंटिंग ये कहती है कि मैचिंग कंसेप्ट में शायद या किसी और जगह पे, कि जो ट्रांजैक्शन जिस साल की हो उसी साल में रिकॉर्ड होनी चाहिए। जो ट्रांजैक्शन जिस साल की हो, 2019 की ट्रांजैक्शन 2020 में नहीं जानी चाहिए, 2020 की ट्रांजैक्शन 2019 में नहीं आनी चाहिए। ये अकाउंटिंग कहती है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात, ऐसी होना चाहिए। लेकिन इस जनरल रूल की एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है IAS 10 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट कहते हैं ईयर एंड को। वो ये कहते हैं कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे ईयर एंड के बाद अकर होंगे, लेकिन उन्हें इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करना जरूरी है। IAS 10 क्या कहता है? कुछ इवेंट्स, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो हमारे साल के बाद, अगर हम 2019 का ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कुछ इवेंट्स या ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जो कि हमारे ईयर एंड के बाद अकर होंगी, लेकिन उन्हें इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करना जरूरी होता है। वो कहते हैं ये दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक एडजस्टिंग इवेंट, एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट। प्रोबेबली आपने शायद काउंटिंग में ये टर्म्स पढ़ी होगी, एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट्स डेफिनेशन में वो बताता है, एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट्स हैं जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी बैलेंस शीट डेट पे। एडजस्टिंग इवेंट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट करते हैं अमाउंट्स की शक्ल में, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट को हम सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं। हमारे लिए डेफिनेशन से ज्यादा अहम है एग्जाम्पल्स, क्योंकि जब वो पेपर में ये कंसेप्ट टेस्ट करेगा वो हमसे ये नहीं पूछेगा कि डेफिनेशन क्या है, बल्कि वो केस स्टडी में वो सिचुएशंस हमसे हमें वो देगा और हमसे पूछेगा बताओ कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा आपका। तो हमारे लिए डेफिनेशन की निस्बत ज्यादा अहम क्या है? एग्जाम्पल। वैसे एडजस्टिंग इवेंट की डेफिनेशन क्या है? कि वो इवेंट जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करते थे, जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट कौन से हैं? जिनकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब एग्जांपल्स क्या है, एडजस्टिंग इवेंट की क्या एग्जांपल्स हैं? आपको कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं, ठीक है। एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल्स है बैंकरप्सी ऑफ डेटर आफ्टर ईयर एंड, एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट हो, डिसीजन ऑफ लीगल केस आफ्टर ईयर एंड, फिर इसके बाद रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री आफ्टर ईयर एंड, और अगर ईयर एंड के बाद कोई मिसस्टेटमेंट सामने आ जाए वो भी एडजस्टिंग इवेंट है। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट की क्या एग्जांपल्स हैं? कि ईयर एंड के बाद फायर होना या कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाना जो कि जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। नेचुरल डिजास्टर कोई भी हो, उसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करते, या कोई हादसा हो जाना, ठीक है, कंपनी का कोई जहाज था, शिप था, वो डूब गया, ये सारे नॉन एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल्स हैं। तो सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब समझ आया? अभी सिर्फ मैं आपको मतलब समझा रहा हूं। सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब वो इवेंट्स या ट्रांजैक्शन जो हमारी बैलेंस शीट डेट के बाद अकर हुए हैं, ये एडजस्टिंग होते हैं, नॉन एडजस्टिंग होते हैं। एडजस्टिंग इवेंट की कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर दी, नॉन एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर दी। यहां तक कंसेप्ट समझ आया? अब आगे चलते हैं, अकाउंटिंग क्या कहती है और ऑडिट क्या कहता है। अकाउंटिंग की बात, अकाउंटिंग ये कहती है कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनको उसने आइडेंटिफाई करके एडजस्ट या डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए हम एक टाइम लाइन बनाते हैं। ये आपको ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही होगी, सीधी लाइन, ठीक है, इसमें इसको हम कहते हैं टाइम लाइन। ये टाइम लाइन बहुत से सब्जेक्ट्स में डिफरेंट कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं। शायद इससे पहले किसी और सब्जेक्ट में आपने टैक्स में या अकाउंटिंग में ये पढ़ी हो, जब सीफैप लेवल पर जाएंगे तो उसमें भी बिजनेस फाइनेंस डिसीजन का टॉपिक एक सब्जेक्ट आएगा, उसमें भी एक टाइम लाइन यूज की जाती है। सिंपल, ये आपको स्ट्रेट लाइन है जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स को शो कर रही है। ये स्टार्ट होती है ईयर एंड से। देखिए, ईयर एंड का मतलब ये नहीं है जहां से हमारा रिपोर्टिंग पीरियड शुरू होगा, ईयर एंड का मतलब है वो डेट जहां पे रिपोर्टिंग पीरियड खत्म होगा। यानी हम जिस साल का ऑडिट कर रहे हैं वो ईयर कौन सा है? 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक। तो 31 हमारा जो सब्सिक्वेंट इवेंट है वो कब से शुरू होंगे? ईयर एंड से, 31 दिसंबर के बाद से। अच्छा, 31 दिसंबर के बाद ऑडिटर ने अपना ऑडिट करना शुरू किया, उसमें से 2.5-3 महीने लग जाएंगे। फर्ज कीजिए कि ऑडिटर ने रिपोर्ट इशू कर दी 6 अप्रैल 2020 को। रिपोर्ट कब उसने इशू की? 6 अप्रैल 2020 को। 6 अप्रैल 2020 को जब ऑडिटर ने अपना ऑडिट कंप्लीट करके रिपोर्ट इशू कर दी मैनेजमेंट के हवाले, पहले तो मुझे यह बताइए, आपको चैप्टर 4 में डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वाला कंसेप्ट याद है? वहां पे क्या पढ़ा था? डेट क्या इंडिकेट कर रही होती है? कि ऑडिटर ने इस डेट तक सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसिडर कर लिया है, इंक्लूडिंग अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दो चीजें बता रही थी, दैट ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इंक्लूडिंग अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और डेट दूसरी चीज क्या बताती है? कि इस डेट तक ऑडिटर ने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसीडर कर लिया। याद है आपको चैप्टर 4 में कंसेप्ट?
तो ऑडिटर ने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को भी कंसीडर करके अप्रूवल के बाद 6 अप्रैल को रिपोर्ट साइन करके मैनेजमेंट के हवाले कर दी। तो मुझे ये बताइए कि क्या उसी दिन मैनेजमेंट इस ऑडिट रिपोर्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करके इशू कर देगी, या उसे पहले ऑडिट रिपोर्ट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच करनी है, डायरेक्टर्स करनी है, प्रॉक्सी फॉर्म वगैरह दूसरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, इस एनुअल रिपोर्ट को फिर पब्लिशर को भिजवाया जाता है, भाई 300 400 500 कॉपी जो है प्रिंट कर दो, फिर जब प्रिंट होकर कॉपी वापस आती है फिर एजीएम के नोटिस के साथ भिजवाया जाता है शेयर होल्डर्स को। बताइए क्या जिस दिन ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा, मैनेजमेंट को ऑडिट रिपोर्ट देगा, क्या उसी दिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मैनेजमेंट इशू कर देगी, या कुछ दिनों का गैप आएगा? प्रैक्टिकली कुछ दिनों का गैप आता है, पब्लिश करवा उन्होंने प्रिंट करवानी होती है। तो फर्ज कीजिए ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई 6 अप्रैल को और मैनेजमेंट ने प्रिंटिंग वगैरह करवाने के बाद एजीएम के नोटिस के साथ शेयर होल्डर को इशू किया 10 अप्रैल को। यहां तक कंसेप्ट समझ आ रहा है? ये हमारी जो डेट है ये है 10 अप्रैल। यहां तक कंसेप्ट क्लियर? अच्छा, अब आसानी के लिए वैसे मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट टर्म बोलूं, क्लियर एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन सम टाइम लेक्चर के दौरान में अगर आसानी के लिए मैं पॉइंट ए, पॉइंट बी या पॉइंट सी कह दूं तो आपको समझ लग जाए कि मैं किसको रेफर कर रहा हूं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करना है। कब से कब तक? IFRS ये कहते हैं मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ईयर एंड से लेके डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करें। कब से कब तक? ईयर एंड से लेके डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करें। इंक्लूड करने का मतलब एडजस्टिंग इवेंट है तो एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट डिस्क्लोज करे। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कब से कब तक? पॉइंट ए से लेके सी तक। क्लियर? अब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोसीजर परफॉर्म करे, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे, जिस तरह रिलेटेड पार्टी में काम करता था। रिलेटेड पार्टी में मैनेजमेंट ने भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज किया होता था, लेकिन क्या ऑडिटर कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए खुद भी प्रोसीजर परफॉर्म करता था? बिल्कुल करता था। कहते हैं उसी तरह सब्सिक्वेंट इवेंट्स को भी ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करके आइडेंटिफाई करे और इंश्योर करे कि वो इवेंट्स एडजस्ट या डिस्क्लोज हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड हो गए। लेकिन फर्क क्या है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोसीजर परफॉर्म करने की ईयर एंड से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक, ईयर एंड से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब यह हुआ जिस दिन ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट साइन कर देगा उसके बाद उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो प्रोसीजर परफॉर्म करके सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करे। यहां तक बात समझ आते हैं? तो बताइए क्या आपको अकाउंटिंग और ऑडिट की रिक्वायरमेंट में फर्क नजर आ रहा है? अकाउंटिंग क्या कहती है कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज करना है, एडजस्ट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड करना है। कब से कब तक? ये रेंट से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने तक। और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? ऑडिटर ने प्रोसीजर कब से कब तक परफॉर्म करने हैं? ये रेंट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक। अब यहां पे आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अच्छा अगर कोई ऐसे इवेंट है जो कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर होते हैं लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले, उनका क्या होगा? इनका जवाब, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा चैप्टर 8 इंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स। उसमें वो जो ऑप्शनल वाले कंटेंट्स थे उसमें एक जगह पे लिखा हुआ था कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर होते हैं वो ऑडिटर को इन्फॉर्म करें। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये रेंट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्टिव रिव्यू की। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रेंट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक कौन सी है? एक्टिव रिव्यू की। एक्टिव रिव्यू का मतलब क्या है? मतलब समझे, एक्टिव रिव्यू का मतलब है ऑडिटर ने खुद से प्रोसीजर परफॉर्म करना है, खुद से भागदौड़ करनी है, हाथ पैर मारने हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए। यह एक्टिव रिव्यू का मतलब। पैसिव रिव्यू का मतलब क्या है? कि ऑडिटर ने खुद से भागदौड़ नहीं करनी, हाथ पैर नहीं मारने, खुद से सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन अगर उसे कहीं से पता चल जाए, मैनेजमेंट बता दे या किसी और सोर्स से पता चल जाए, अखबार में आ जाए कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हुआ है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फिर वो कुछ ना कुछ काम करेगा, लेकिन खुद से उसने प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करने के लिए। यह बात समझ आई? एक्टिव रिव्यू और पैसिव रिव्यू में फर्क। एक्टिव रिव्यू का मतलब क्या है? ऑडिटर ने खुद से स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, खुद से प्रोसीजर परफॉर्म करेगा सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। पैसिव रिव्यू का मतलब क्या है? ऑडिटर ने खुद से प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने, दूसरों पर रिलाई करेगा कि अगर सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई होते हैं तो वो हमें बताएं। हाँ, जब उसे पता चल जाएगा सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हो गया है फिर वो कुछ ना कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। यहां तक बात समझ आती है? चलिए अब पहला क्वेश्चन हमारा, ऑडिटर की रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्सिबिलिटी गेयर एंड से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक्टिव रिव्यू की? एक्टिव रिव्यू का मतलब क्या है? ऑडिटर ने खुद से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। भाई खुद से वो कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ये सुनिए, प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट। ऑडिटर खुद से प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है किस लिए? सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। कंसेप्ट वही है जो रिलेटेड पार्टी वाला, प्रोसीजर डिफरेंट है लेकिन बेसिक कंसेप्ट वहां पे भी तो हमने रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर पढ़े थे। यहां पे सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर? पहला, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजर। जो क्लाइंट का प्रोसीजर है सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने है। जिस तरह हम रिलेटेड पार्टी में करते थे, पहले क्लाइंट का प्रोसीजर अंडरस्टैंड करते थे, उसके कंट्रोल्स देखते थे क्या, फिर दूसरे नंबर पे उसे क्लाइंट से फिर लिस्ट लेते थे रिलेटेड पार्टीज की। तो यहां पे भी अप्रोच उसकी वही है, सबसे पहले क्या करें सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लाइंट के प्रोसीजर्स को अंडरस्टैंड करें, फिर क्या करें मैनेजमेंट से इंक्वायरी करें। भाई किस चीज की इंक्वायरी? एक एक करके सब्सिक्वेंट इवेंट्स पूछते जाएं। सर क्या पहली इंक्वायरी, क्या ये रेंट के बाद कोई डेटर बैंकरप्ट तो नहीं हुआ? दूसरी इंक्वायरी, क्या ये रेंट के बाद किसी लीगल केस का डिसीजन तो नहीं हुआ? क्या ये रेंट के बाद कोई इन्वेंटरी कॉस्ट से कम पे सेल तो नहीं हुई? क्या ये रेंट के बाद कोई डिफेक्टिव इन्वेंटरी रिटर्न तो नहीं हुई? क्या ये रेंट के बाद कोई मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई तो नहीं हुई? क्या ये रेंट के बाद कोई आग तो नहीं लगी? क्या ये रेंट के बाद कोई आपका नेचुरल डिजास्टर कोई हादसा वगैरह तो नहीं हुआ? एक एक करके इंक्वायरी करें सब्सिक्वेंट इवेंट के। दूसरा प्रोसीजर क्या, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते हैं। तीसरा प्रोसीजर, मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड करना है। भाई किसकी मीटिंग के मिनट्स? डायरेक्टर्स की मीटिंग, छोटी मोटी मीटिंग के मिनट्स थोड़ी पढ़ना, डायरेक्टर्स की। अच्छा डायरेक्टर्स की कौन सी वाली मीटिंग के मिनट्स? जो ड्यूरिंग द ईयर हुई है, भाई ये रेंट के बाद हुई है, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट तो ये रेंट के बाद वाली मीटिंग में डिस्कस हुए होंगे ना, ड्यूरिंग द ईयर में थोड़ी डिस्कस होंगे। डायरेक्टर जुम्मी थोड़ी है ड्यूरिंग द ईयर पता चल जाए ये रेंट के बाद क्या होने वाला उसको डिस्कस करते रहे। नहीं नहीं, मिनट्स कौन से रीड करने हमने? ये रेंट के बाद वाली मीटिंग के मिनट्स। फिर करें रीड करें इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? जो पूरे साल की ना हो, पार्ट ऑफ द ईयर की हो, वो हाफ ईयरली भी हो सकती है, वो क्वार्टरली भी हो सकती है, वो मंथली भी हो सकती है। हमारे सिलेबस में नहीं लेकिन पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है कि उन्होंने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। तो हम रिपोर्ट दे रहे हैं अप्रैल में, क्या हो सकता है कि 31 मार्च तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई और हमारे सामने वो ले आए? अब देखिए इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो सारी की सारी सब्सिक्वेंट है। ये इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी है भला? जिस साल का मार्केट है वो नहीं अगले साल के, तो उसमें तो सारी की सारी चीजें सब्सिक्वेंट ही होगी। ये सबसे बड़ा सोर्स है, यहां से पढ़ लो सब्सिक्वेंट इवेंट्स आपको नजर आ जाएंगे। और एंड में क्या करो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मुझे बताइए क्या सब्सिक्वेंट इवेंट्स के केस में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना एप्रोप्रिएट है? बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अच्छा एप्रोप्रिएट है तो मुझे बताइए के रिप्रेजेंटेशन हाथ उठाना है, ऑब्टेन क्या करते हैं यानी स्टेटमेंट क्या लेते हैं मैनेजमेंट से? जी भाई, के मैनेजमेंट ने जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट या डिस्क्लोज कर दिया, शाबाश एंड तक पहुंचाइए जा। ये रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे मैनेजमेंट से। अब देखिए ये है हमारे प्रोसीजर, अटेंटिव हो जाइए। ये प्रोसीजर कौन से हैं जो ऑडिटर ने परफॉर्म करने हैं? किस लिए? किस लिए? टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अब देखिए वही आई कैप का एक तरीका है वारदात पुराना, कौन सा? टू और ऑन वाला, पहुंच गए हैं आप। एक क्वेश्चन आया उसमें देखिए रिक्वायरमेंट सुनिएगा, उसने कहा ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और वो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं उसने टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स। बताइए ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा इंश्योर करने के लिए कि ये रेंट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स है वो आइडेंटिफाई हो जाए? ये रिक्वायरमेंट है, बताइए क्या लिखना है? ये वाले कौन सा प्रोसीजर है? सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा मैनेजमेंट के प्रोसीजर की, दूसरे नंबर पर इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में, तीसरे नंबर पर रीड करेगा मिनट्स ऑफ द मीटिंग, रीड करेगा इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लेगा। अब आगे रिक्वायरमेंट भी था, रिक्वायरमेंट भी हर क्वेश्चन में नहीं पूछता, उसमें पूछ लिया उसने। उसने कहा फर्ज कीजिए कि आपको पता चला ये प्रोसीजर परफॉर्म करने से कि कोई डेटर है वो बैंकरप्ट हो गया, अब बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? अब बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? क्या यही प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? नहीं भैया, ये तो वो प्रोसीजर है जो इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहे हैं। जब इवेंट आइडेंटिफाई हो जाए फिर हमने वही स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं उस इवेंट के हवाले से, उस इवेंट के हवाले से स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। जो कौन से वाले हैं? चैप्टर 12 के सब्सिडी प्रोसीजर वाले। अगर कहे बैंकरप्सी ऑफ डेट पता चल गया तो क्या प्रोसीजर परफॉर्म? हम कहेंगे भैया हम देखेंगे उसका लिक्विडेटर पॉइंट हुआ है कि नहीं लिक्विडेटर पॉइंट हुआ है तो उसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे कितनी रिकवरी एक्सपेक्टेड है, ये रेंट के बाद देखेंगे कि कितना कैश रिसीव हो चुका है, ठीक है। ये उस दो तीन प्रोसीजर हम कुछ चैप्टर 12 वाले इसमें इंक्लूड कर देंगे। भाई ये बात समझ आई? ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? एक्टिव रिव्यू वाले, क्लियर हो गई। एक्टिव रिव्यू में खास तौर पे ये प्रोसीजर, एक्टिव रिव्यू कब से कब तक परफॉर्म करते हैं? ईयर एंड से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक। यहां तक कंसेप्ट समझ आया, आगे चलते हैं। ये जो ऑडिट रिपोर्ट जिस दिन साइन होनी होती है ना, साइन होने हमारे सीनियर मजाक में कहकर यूं ही मैं आपके साथ कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन होती है, जिस तरह चांद रात होती है ना गहमा गहमी होती है, उसी तरह प्रैक्टिकली जिस दिन अगले दिन रिपोर्ट साइन करनी होती है ना, उससे पहले वाली रात हमारी चांद रात होती है, सारी रात हमें जागना पड़ता है। वो कुछ ना पार्टनर का रिव्यू चल रहा होता है, इधर उधर भागदौड़ मची होती है। तो जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट साइन होती है पार्टनर समेत सारे छुट्टियों में निकल जाते हैं। हमारी फर्म में प्रैक्टिस थी कि वो दो तीन चार छुट्टियां जो है वो दिया करते थे ताकि पिछले कई दिनों से जो हम जाग रहे हैं तो कुछ सुकून के दिन सो सके। एग्जाम में उसने क्वेश्चन एक बनाया,
उसने कहा कि ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट साइन की और कई दिनों का थका हुआ था, घर आके सुकून से सो गया। अब देखिए उसने सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए होंगे क्या, करने हैं, कर लिए होंगे, शाबाश, उसके बाद ही रिपोर्ट साइन करता है। अगले दिन सुबह सुबह नाश्ते के बाद चाय पी रहा था, सामने अखबार, अखबार में जैसे ही पहले सफे पे नजर पड़ी चाय का कप हाथ से गिर गया। क्यों? उसमें लिखा हुआ था कि जिस क्लाइंट पे हमने कल ऑडिट रिपोर्ट साइन की है उसकी फैक्ट्री को आग लग गई है। अब बताइए, मेरा ख्याल ये है ऑडिटर को सोचना चाहिए कि भाई जिस दिन मैंने रिपोर्ट साइन की उस दिन तो इस तरह का कोई मसला नहीं था, तो रात गई बात गई, अगला सफा पलटे, ऐसे होना चाहिए क्या? नहीं। याद रखें, ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले ऑडिटर की एक्टिव रिव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑडिटर ने खुद से प्रोसीजर परफॉर्म करके सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं करना, लेकिन अगर उसे दूसरों से पता चल जाए तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कुछ ना कुछ करने की। पैसिव रिव्यू का यह मतलब नहीं है कि अब जो मर्जी होता रहे ऑडिटर ने कुछ भी नहीं करना, नहीं नहीं, पैसिव रिव्यू का मतलब समझे, पैसिव रिव्यू का मतलब है ऑडिटर ने खुद से एक्टिवली प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, दूसरों पर रिलाई करना है, लेकिन जब दूसरों से पता चल जाए कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ है तो फिर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। अब देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे बताइए, क्या ये सब्सिक्वेंट इवेंट जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद अकर हुआ लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं? फिर बताइए सोच के, क्या ये इवेंट जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले अगर हुआ क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल इंक्लूड होना चाहिए। अब ऑडिटर तो रिपोर्ट दे चुका है, अब बताइए इस ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ये भागा 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 जाएगा मैनेजमेंट के पास और कहेगा, सर एक सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होना जरूरी है, सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होना जरूरी है, बताइए अब क्या करना है? यहां तो मैनेजमेंट होगी अच्छी या होगी बुरी? गुड मैनेजमेंट है, क्योंकि ठीक है सर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने को तैयार है। बुरी होगी तो क्या कहेगी? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने को तैयार। अब यहां पे इतना तो एग्री करते हैं ऑडिटर को कुछ ना कुछ करना उसकी जिम्मेदारी बन गई। अब क्या जिम्मेदारी? ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने को तैयार है कि नहीं है। या तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करेगी या मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड नहीं करेगी। सूली तौर पर करने चाहिए। अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करती है फिर क्या होगा बताइए? जो लिखा है इसको छोड़े, कॉमन सेंस क्या कहते हैं? अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने को तैयार है तो मैनेजमेंट करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड। हम क्या करेंगे? हम शाबाश उस अमेंडमेंट को चेक करेंगे सही किया कि नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा भाई? अमेंडमेंट के प्रोसीजर तो कर लिए ना, अमेंडमेंट चेक कर ली, अब आगे न्यू रिपोर्ट देंगे? नहीं, पुराने वाली रिपोर्ट देखे, फर्ज कीजिए 6 तारीख को रिपोर्ट दे दी थी हमने, 8 तारीख को हमें पता चला कि ये कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है। अब बताइए क्या हमें वही रिपोर्ट कंटिन्यू करनी चाहिए या कि नई रिपोर्ट देनी चाहिए? नई रिपोर्ट क्यों देनी चाहिए? पहले भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक थी, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है? अब देखिए इसलिए क्योंकि पहले, अब मुझे बताइए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड हुई हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल हुई होगी कि नहीं? डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दी होगी। अब अगर हम नई रिपोर्ट ना दें सिचुएशन क्या होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुई है 8 अप्रैल को और हमने रिपोर्ट कब दी हुई है 6 अप्रैल को, जो हमारी डेट वाली रिक्वायरमेंट के मुताबिक गलत हो जाएगा। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं रिपोर्ट हो सकता है आपकी सारी वही की वही हो लेकिन फिर भी आपने नई रिपोर्ट देनी है, नई रिपोर्ट में और कुछ भी नहीं ना तो कम से कम एक चीज जरूर चेंज होगी, वो क्या? डेट, शाबाश डेट, डेट अब हमें 8 तारीख डालनी है। अब देखते हैं वो क्या कहता है, कहता है अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने को तैयार हो जाए, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने को तैयार हो जाए हमने क्या करना है? पहली चीज प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं अमेंडमेंट पे, क्या मैनेजमेंट ने अमेंडमेंट सही की कि नहीं। दूसरी चीज हमने नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करने हैं, नई ऑडिट रिपोर्ट पे डेट कौन सी होगी? जिस दिन जो अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुई है वो, और या उसके बाद वाली डेट होगी, पहले वाली नहीं होगी। नई ऑडिट रिपोर्ट पे कौन सी डेट होगी? अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होने के बाद वाली, बाद वाले। अब बताइए जब डेट नहीं होगी 8 तारीख तो रूल के मुताबिक ऑडिटर की जो एक्टिव रिव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 6 तक ही रहेगी कि वो भी एक्सटेंड होगी 8 तक आ जाएगी? कह रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सटेंड हो रही है। कुछ समझ आया? अच्छा ये तो था जब मैनेजमेंट एग्री कर जाए। अब अगर हम बाकी मैनेजमेंट के पास जाते हैं, सर नॉन एडजस्टिंग डिस्क्लोज करना है, सब्सिक्वेंट इवेंट आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट होनी चाहिए, या तो मैनेजमेंट अमेंडमेंट करने को तैयार होगी या नहीं। अगर मैनेजमेंट कहती है हमने कोई अमेंडमेंट नहीं करनी, ऑडिटर क्या करे? देखिए यहां पे ज़हन में रखिएगा, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे चुका है, ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट दे चुका है। अगर तो ऑडिट रिपोर्ट उसकी जेब में पड़ी होती ना कि साइन कर ली, जेब में रख ली, जब मुलाकात होगी तब उनके हवाले कर दूंगा, तब वो जेब से निकाल के फाड़ के फेंक देता, क्योंकि यहां पे अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं। अब ऑडिटर क्या कहेगा? अमेंडमेंट, हाँ भाई अमेंडमेंट करनी है। मैनेजमेंट ने कहा कोई अमेंडमेंट नहीं करनी। ऑडिटर कहेगा अच्छा अब IFRS के असूलों के मुताबिक आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं गलत,
ऑडिटर उन्हें नोटिफाई करेगा, नोटिस इश्यू करेगा, बराए मेहरबानी अपनी गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मेरी सही ऑडिट रिपोर्ट ना भेजें। अपनी गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मेरी सही वाली ऑडिट रिपोर्ट ना इशू करें। अगर मैनेजमेंट फिर भी इशू कर देती है ऑडिट रिपोर्ट, फिर क्या? हाँ, फिर ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि यूजर्स को बताए, सर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, इस रिपोर्ट पे रिलाई ना करें। कैसे बताएगा ऑडिटर? क्योंकि अभी नोटिस इशू हुआ है, एजीएम तो भी होनी है, वो एनुअल जनरल मीटिंग में बोल सकता है, राइट टू स्पीक है ना उसका, यहाँ एक्सरसाइज करेगा, और किसी ने इसलिए तो रखा था राइट टू स्पीक, और क्या भाषण भाई अभी नहीं, 50 रुपए आगे क्वेश्चन। यहां तक बात समझ आई? रिपीट कर दूं फिर सर, मुझे बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट के हवाले से? एक एक टेक्निकल बात ध्यान में रखिएगा, अकाउंटिंग के पेपर में सब्सिक्वेंट इवेंट फोकस कर रहा होता है एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग पे। हमारे ऑडिट के पेपर में सब्सिक्वेंट इवेंट एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग पे फोकस नहीं होता ज्यादा, फोकस होता है डेट पे, किस वक्त हुआ, वो ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले हुआ या बाद में हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू होने से पहले हुआ या बाद में हुआ। हमारा ज्यादा फोकस एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग में नहीं होता, हमारा होता है डेट के ऊपर। वो सिर्फ एक लाइन में हम लिख देते हैं एडजस्टिंग है तो फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट करेंगे, उसको नॉन एडजस्टिंग है तो डिस्क्लोज करेंगे, एक लाइन में लिख के हम खत्म करते हैं। असल चीज है प्रोसीजर क्या परफॉर्म होंगे, वो डिपेंड करते हैं इवेंट कब हुआ। तो मुझे बताइए क्विक रिव्यू करते हैं अगले चलने से पहले, अकाउंटिंग क्या कहती है सब्सिक्वेंट इवेंट्स कब से कब तक देखने हैं मैनेजमेंट ने? ईयर एंड से लेके डेट ऑफ इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट क्या कहता है, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी कब से कब तक है? ईयर एंड से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक। ईयर एंड से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है? एक्टिव रिव्यू की। और ऑडिट रिपोर्ट से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने तक क्या रिस्पांसिबिलिटी? पैसिव। एक्टिव रिव्यू का मतलब क्या है? ऑडिटर ने खुद से हाथ पैर मार के प्रोसीजर परफॉर्म करके सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करने हैं। पैसिव रिव्यू का मतलब क्या है? ऑडिटर दूसरों पर रिलाई करेगा कि दूसरे मुझे अगर सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ है तो दूसरे मुझे आगे बताए। अब बताइए कि ईयर एंड से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए? अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेन करेगा मैनेजमेंट के प्रोसीजर की, इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, रीड करेगा इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रीड करेगा मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेन करेगा। अगर क्वेश्चन में कभी कह दे कि इन सारे प्रोसीजर के बाद हमें ये सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हो गया, अब इस पे बताओ स्पेसिफिकली क्या प्रोसीजर होंगे, तो हमारा चैप्टर 12 का क्वेश्चन बन जाएगा। नॉर्मली पूछता नहीं लेकिन अगर कभी कभार पूछे तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये है प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट, ये होगा ओन आइडेंटिफाई। इसके बाद आगे चलते हैं, अगर हमें ये ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट पता चले, फर्ज कीजिए हमें पता चला कोई डेटर बैंकक्रप्ट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद कोई डेटर, हमने क्लाइंट को रिपोर्ट दे दिया, साइन कर दी, इसके बाद डेटर बैंकक्रप्ट, बताइए एडजस्टिंग इवेंट है कि नहीं? एडजस्टिंग इवेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले पहले बैंकक्रप्ट हुआ, ऑडिट रिपोर्ट के बाद लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले, तो वो एडजस्टिंग सब्सिक्वेंट इवेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंट होनी चाहिए। बताइए हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम भागे भागे मैनेजमेंट के पास जाएंगे, क्या कहेंगे? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड कर दीजिए। मैनेजमेंट या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करेगी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड नहीं करेगी। पहली ऑप्शन, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड कर दे, ऑडिटर ने क्या करना है? अमेंडमेंट चेक करेगा, न्यू ऑडिट रिपोर्ट देगा, न्यू ऑडिट रिपोर्ट में डेट नई वाली होगी आफ्टर अप्रूवल ऑफ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड हो जाएगी न्यू डेट तक। अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करने पे, ऑडिटर ने नोटिफाई करेगा कि भैया मेरी रिपोर्ट अपनी गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इशू ना करना, फिर भी मैनेजमेंट इशू कर दे दो, ऑडिटर नेसेसरी एक्शंस लेगा यूजर्स को बताने के लिए कि रिपोर्ट गलत है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। वो नेसेसरी एक्शन क्या हो सकते हैं? स्टैंडर्ड एग्जांपल एजीएम में बोल सकता हूं। यहां तक क्लियर? अब चलते हैं आगे, आपसे तीन क्वेश्चन पूछने लगा हूं, तीन या शायद चार हो जाए, और इसमें देखें जो एंड वाला क्वेश्चन है वो ऐसा है कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट रटा सारा कुछ लगा लेते हैं, पास भी हो जाते हैं सब्जेक्ट में, लेकिन कंसेप्ट उन्हें क्लियर नहीं होता, ये कंसेप्ट उनका गलत होता है, आपने कंसेप्ट सही बिल्ड करना। पहला क्वेश्चन मेरा, क्या पॉइंट ए से पहले जो इवेंट है वो सब्सिक्वेंट इवेंट है? फिर बताइए क्या पॉइंट ए से पहले जो इवेंट अकर हुए सब्सिक्वेंट इवेंट है? नहीं है। अब सोच के बताइएगा, क्या पॉइंट सी के बाद जो इवेंट अकर हुए हो, पॉइंट सी के बाद जो इवेंट अकर हुए हो वो सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं? वो सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है। जो इवेंट पॉइंट सी के बाद अकर हुए हैं वो सब्सिक्वेंट इवेंट, अब गौर से सुनिएगा अल्फाज पे, वो इवेंट जो पॉइंट सी से पहले अकर हुए हैं, अकर पॉइंट सी से पहले हुए हैं, आइडेंटिफाई पॉइंट सी के बाद हुए हैं, वो सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं? यस, वो सब्सिक्वेंट इवेंट है। इसीलिए नोट रखिएगा, जब आप पढ़ रहे होंगे स्टैंडर्ड को ये नोट्स वगैरह को, तो सी से पहले जो इवेंट होंगे ना उनके बारे में लफ्ज यूज करता है इवेंट सकर्ड, लेकिन सी के बाद जो इवेंट्स होंगे उनके बारे में वर्ड यूज करेगा इवेंट आइडेंटिफाइड, इनके बारे में इवेंट अकर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट सी के बाद जो इवेंट अकर हुआ वो बाय डेफिनेशन सब्सिक्वेंट इवेंट है ही नहीं। भैया बात समझ आई? तो मुझे बताइए पॉइंट मैनेजमेंट की तो जिम्मेदारी ऐसे लेके सी तक सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने की है और उसको एडजस्ट एंड डिस्क्लोज करने की है, तो जो इवेंट पॉइंट सी के बाद अकर हुए हैं वो सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है, तो फिर ये प्रोसीजर क्यों लिखे हुए हैं? इसलिए कि ये वो वाले इवेंट है जो अकर पहले हो गए थे, आइडेंटिफाई बाद में हुआ। भाई ये समझ आ गया ये कंसेप्ट, पढ़ क्यों रहे हैं?
हालांकि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां तक थी, वो पढ़ ली। उसके बाद मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां तक थी, चलो वो भी पढ़ ली। भाई इससे आगे तो ना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ऑडिटर की, वो क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि ये वो इवेंट है जो अकर पहले हुए थे, आइडेंटिफाई बाद में हुए थे। तो क्या ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रूल के मुताबिक इंक्लूड करने चाहिए? भाई अगर कोई डेटर बैंक अकाउंट पहले हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने से पहले, पता बाद में चला, क्या बिल्कुल करने चाहिए? ये है मेन कंसर्न, क्लियर हो गया। अब बताइए क्या करेंगे? तकरीबन वही कंसेप्ट यहां पे रिपीट हो रहा है, तकरीबन, एग्जैक्ट नहीं, तकरीबन। क्या भागे भागे जाएंगे इसके पास, क्या कहेंगे? सर फाइनेंशियल रिकमेंड करें, मैनेजमेंट क्या कहेगी? यहां तो यस करेगी या नो करेगी। पहले गुड स्टोरी, यस मैनेजमेंट, ठीक है सर फाइनेंशियल रिकमेंड कर लेते हैं। कॉमन सेंस क्या कहती है? अब की बार सबसे पहले यूजर्स को इतला पहुंचाओ। अब की बार हम मैनेजमेंट से क्या कहेंगे? कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कमेंट बाद में करना, पहले यूजर को बता दो। भैया रुक जाओ, स्टॉप, क्यों? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो गई है, मजीद इनके वे के ऊपर डिसीजन मेकिंग ना करो। इन गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देखिए, मुझे बताइए क्या हम तसल्ली के साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंट करना शुरू कर दें कि यूजर को पहले रोकना चाहिए? ये ना अपना करोड़ों रुपए का डिसीजन कर लें तब तक तो जितनी तो चले टाइम गुजर गया सो गुजर गया, अब हमें यूजर्स को इन्फॉर्म कर। तो यहां पे देखिए सबसे पहले कह रहा है ऑडिटर, देखिएगा मैनेजमेंट ने नेसेसरी स्टेप्स लिए कि नहीं यूजर को कम्युनिकेट करने के लिए कि स्टॉप, अभी एक दो दिनों के बाद आपको नई वाली फाइनेंशियल में भिजवा रहे हैं। यूजर को रोक दिया, अब मजीद डिसीजन मेकिंग ना करना। फिर क्या करेंगे? मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करेगी। ऑडिटर क्या करेगा? प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, चेक करेगा प्रोसीजर अमेंडमेंट सही है कि नहीं। फिर इसके बाद ऑडिटर क्या करेगा? न्यू रिपोर्ट देगा। न्यू रिपोर्ट में डेट कौन सी होगी? नई वाली, आफ्टर अप्रूवल ऑफ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली। तो जब डेट एक्सटेंड होगी तो रूल के मुताबिक उसकी सब्सिक्वेंट इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सटेंड हो जाएगी कि नहीं? लेकिन एक फर्क हो रहा है, जब यूजर्स बैठे होंगे उनके पास नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी, वो हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। वो कहेंगे कंपनी भी वही, साल भी वही, ऑडिटर भी वही, अभी तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट मिली थी, दोबारा क्यों मिल गई? उनको इस हैरानी से परेशानी से बचाने के लिए मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रीजन एक्सप्लेन करती है रिवीजन की, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में रीजन लिखेगा रिवीजन की। एमसीस ऑफ मैटर या अदर मैटर, जो पसंद हो आपको। क्या पसंद है, एमसीस ऑफ मैटर या अदर मैटर? जो ऑप्शन दी है उन्हीं में से सिलेक्शन करनी है, या एमसीस ऑफ मैटर या अदर मैटर, एमसीस ऑफ मैटर या अदर मैटर। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर कंसर्ट समझ आ रहा है, यहां पे तो एमसीस ऑफ मैटर या अदर मैटर है, यहां पे नहीं था, क्यों? हाँ क्योंकि यहां पे घर की बात घर में थी, यहां पे बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है। तो भाई यहां पे, अब यहां पे तो यूजर को गलत वाली ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं गई थी अभी, तो सही वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बताना जरूरी नहीं था कि पहले वाली गलत है। ओके भाई पहले वाली कौन सी, हमें तो मिली नहीं है। यहां पे चूंकि उन्हें पहले वाली गलत फाइनेंशियल रिपोर्ट मिल चुकी है, तो यहां पे एमसीस मैटर अदर मैटर जरूरी है। भाई यहां पे नहीं देना, यहां पे लिखी नहीं, बिल्कुल शाबाश। तो यहां पे एमसीस मैटर अदर मैटर, एमसीस मैटर अदर मैटर। देखिए अल्फाज पे नहीं, कंसेप्ट पे गौर किया कीजिए, कंसेप्ट पे गौर किया कीजिए। हाँ जी हाँ जी, एक किताब में उसूल पढ़ा, टीचिंग का उसूल पढ़ा, कहते हैं कंसेप्ट मुश्किल से मुश्किल, अल्फाज आसान से आसान। ठीक है फिर समझ आती है, आगे चलते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट, अच्छा अब अगर मैनेजमेंट कहते हैं नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड नहीं करना हमने, ऑडिटर क्या करे? क्या ऑडिटर ये कि रात गई बात गई, मैंने तो जब रिपोर्ट दी थी सही दी थी, अब मसला निकला है मैं क्या करूं? ना 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 भैया, अच्छे ऑडिटर का ये अमल नहीं होता। अच्छा ऑडिटर क्या करता है? वो मैनेजमेंट को नोटिफाई करता है, जैसे वहां नोटिफाई किया, क्या नोटिफाई करेगा? बाद आ जाओ वरना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, हाँ वरना खबर आ जाएगा बाद। अच्छा नोटिफाई मैनेजमेंट अबाउट पॉसिबल एक्शन, ठीक है हाँ, मैनेजमेंट को नोटिफाई के मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता हूँ। अगर मैनेजमेंट फिर भी ना माने तो फिर क्या, फिर लीगल एक्शन ले लो भैया, और क्या है? ऐसे थोड़ी यहाँ पे धमकी दे रहा है, शेर आएगा शेर आएगा शेर, तो यहाँ पे शेर को ले आएगा, शेर आया शेर, यहाँ पे शेर, लीगल एडवाइस लीजिए, लीगल एडवाइस लीजिए और उसके मुताबिक जो भी लायक है वो। अच्छा यहाँ पे देखे, यहाँ पे एजीएम वाली बात हाँ हो चुकी है एजीएम, यहाँ पे एजीएम वाली बात नहीं कर रहा भाई, ये कंसर्ट समझ आया? अब सुनिए, अगर आप मेरे से पूछें सर इसमें सबसे अहम चीज क्या है, दो हरफी बात बताइए, वो चीज देखे याद सारे स्टूडेंट कर लेते हैं, इस लेवल पे नॉर्मली कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जो तैयारी।
लेक्चर का आगाज करते हैं। शेर आएगा, शेर आएगा। नहीं हो पाता, वो एग्जाम में रिक्वायरमेंट को गौर से नहीं पढ़े होते। इस टॉपिक में सबसे अहम चीज क्या है जो आपने एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए ज़हन में रखनी है? वो है डेट। सबसे अहम चीज है डेट, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन सी डेट है। शाबाश। क्या हमें वो क्वेश्चन में जो उसने डेट दी है वो गियर एंड और ऑडिट रिपोर्ट के दरमियान वाली है, या के ऑडिट रिपोर्ट के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले वाली है, या के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद वाली है? क्योंकि अगर उसने डेट दी हुई ईयर एंड और ऑडिट रिपोर्ट के दरमियान वाली, आपने प्रोसीजर छाप दिए ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के दरमियान वाले, जीरो नंबर। एग्जामिनर ये नहीं सोचेगा कि भाई जिसको ये कंसेप्ट याद है उसको ये भी तो याद होगा, वो कहेगा मैंने जो पूछा वो बताया कि नहीं बताया, नहीं बताया, जीरो नंबर। तो एग्जाम में सबसे अहम चीज क्या होगी? आपने डेट और जो भी इवेंट देगा उस डेट देखने क्या पूछ रहा है, ध्यान से पहले तसल्ली कर ले, तसल्ली हो जाए फिर तसल्ली कर ले, एक दफा और पढ़ ले, कोई मसला नहीं है। सही डिसीजन रिक्वायरमेंट अच्छे तरीके से समझ आ जाए उसके बाद फिर आगे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है। अब असाइनमेंट है, देता हूं असाइनमेंट। पहले मेरी अभी तसल्ली नहीं हुई, अभी एक बात हो रहा है, दो बातें हो रहे थे। मुझे यह बताइए अगर वो क्वेश्चन में कहे, अब सुनिए यहां पे पता चलेगा कौन स्टूडेंट पास होने वाला कौन सा फेल होने वाला। अगर क्वेश्चन में कहे बैंकरप्सी ऑफ डेटर है आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट, बैंकरप्सी ऑफ डेटर है आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट, मुझे बताइए ये वाला लिखेंगे कंसेप्ट या के ये वाला? डेट उसने दी नहीं हुई ना, डेट दी ही नहीं हुई। सुन ले, सुन ले, उसने क्वेश्चन में कहा कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद हमें सब्सिक्वेंट इवेंट पता चला, ऑडिट रिपोर्ट के बाद, ये नहीं बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू हुई है कि नहीं हुई। तो हमें कौन से वाली सिचुएशन कवर करनी है? दोनों। क्वेश्चन में जिक्र नहीं है, हम कहेंगे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई तो ये कोर्स ऑफ एक्शन, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी है तो ये कोर्स ऑफ एक्शन। फिर सुन ले, अगर तो एग्जाम में स्पेसिफिक डेट बता दे, हम एनालिसिस करेंगे कि कौन से वाली सिचुएशन है, ए और बी के दरमियान में, बी और सी के दरमियान में, या सी के बाद वाली, उसके मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो क्लियर हो गया। अगर हमें क्वेश्चन में डेट मेंशन ना करें, सिर्फ इतना कह दे कि इवेंट हुआ है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये नहीं बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई है कि नहीं, हमने क्या करना है?
दोनों सेशनों को कवर करना है। पहले हेडिंग देंगे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई तो ये सिचुएशन, फिर हेडिंग देंगे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी है तो ये सिचुएशन। बात समझ आई? अब मुझे बताइए आखिरी क्वेश्चन। अब जो आंसर आए जिसके हाथ उठाएगा 50 रुपए। क्वेश्चन में उसने कहा, क्वेश्चन में उसने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले पता चला डेटर बैंकरप्ट हो गया है, बताइए ये वाले प्रोसीजर, लेफ्ट वाले प्रोसीजर लिखेंगे के राइट वाले? हाथ उठाना है। शाबाश। कौन से वाले? शाबाश, दोनों वाले प्रोसीजर लिखेंगे। क्या मतलब? सबने का नहीं, एक मिनट अरे, दोनों नहीं लिखेंगे? लिखेंगे दोनों, इसलिए एग्री करते हैं ना, तो मसला क्या है? एक मिनट है आपको। नहीं नहीं भैया, उन्होंने भी हाथ उठाया था, मैं क्या पता नहीं कंसर्ट गलत बढ़ा गया हूँ, ऐसे ना किया गया, मैं तरह निकल गया था मेरा। अब भाई ठहर, मैं क्या पता नहीं क्या पढ़ा गया हूँ मैं, मैं ट्राई ना करें यार, ऐसे ना किया। तो अगर हाँ, तो ये समझ आ गया कि जो उसने मेंशन नहीं किया अगर, तो फिर हमने दोनों पॉसिबिलिटीज को कवर करना। अगर मैनेजमेंट एग्री करती है तो फिर ये करेंगे, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल में मैंड नहीं करती तो फिर ये कोर्स ऑफ एक्शन होगा। ठीक है, हाँ हाँ जी। अच्छा अब सुनिए, अब असाइनमेंट, हाँ होम असाइनमेंट। देखें आई कैब के क्वेश्चन बैंक में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे बनाए उसने। उनमें से एक क्वेश्चन है जो आपने आज रिटर्न फॉर्म में करके लाना है, वो है हमारा अपेंडिक्स वन में, सॉरी अपेंडिक्स थ्री में, केस स्टडी वन। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने बनाया है, इसको आपने रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट करना है, पेज 280 का, ACCA का। चले लेकिन हमें तो आईकैप ने दिया ना, हमें तो आईकैप 280। अच्छा अब सुनिए, अब बाकी क्वेश्चंस आपने लिख के नहीं, पढ़ के आने हैं, और की पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा ताकि डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सके। वो है वॉल्यूम 2, चैप्टर 20, वॉल्यूम 2, क्वेश्चन नंबर 1 से 7, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक सिर्फ रीड करने को कह रहा हूं, की पॉइंट्स नोट करते जाए, ये 20-25-30 मिनट में ये रीडिंग हो जाएगी। और कल आपको पता है, आपको मैसेज आ गया टाइम? हाँ जी बिल्कुल। तो कल देखें चैप्टर 20 और 21 दोनों कंसेप्चुअली बहुत अहम चैप्टर्स हैं, खुद से अगर पढ़ने बैठे ये चैप्टर मुझे अंदाजा है नहीं समझ आते, तो कल के लगे नाश्ता नहीं कुछ, लेकिन हल्का फुल्का मनोरंजन का इंतजाम होगा। हाँ हाँ जी, तो क्या करूं हैं, क्या थिएटर से किसी को बुला लूं? यही मनोरंजन हल्का फुल्का होगा बस, और क्या है सुबह? और भाई इतनी सुबह नहीं बुला रहा आपको, ये आपका हाँ 9 से 11। हाँ जी कोई सुबह नहीं है जी। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।